तो आज का टॉपिक है हमारा रैपर क्लास। रैपर क्लास इन एपेक्स। अब ये रैपर क्लास होता क्या है? ठीक है, अब देखो किसी भी चीज को रैप करना, ठीक है, किसी भी चीज को रैप करना मतलब होता है रैपर। ठीक है, लाइक चॉकलेट का भी क्या होता है, जैसे कोई चॉकलेट है, ठीक है, तो उसका भी एक क्या होता है, रैपर होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम कोई कैप्सूल्स लेने जाए, ठीक है, तो उसमें छोटे 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 दाने होते हैं और उसका भी एक क्या होता है, रैपर होता है। मतलब क्या, मल्टीपल चीज को कंटेन करके रखने वाला, ठीक है, मल्टीपल चीजों को कंटेन करके रखने वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं रैपर। ओके, सो अब अगर रैपर का यूज होता क्यों है, सबसे पहले तो देखो, देखो रैपर क्यों यूज होता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ चीजों को एक साथ अगर कंटेन करके रखना है तो हम यूज करेंगे रैपर का। ठीक है, लाइक जैसे देखो हमारे पास क्या होती है, लिस्ट होती है, तो हम क्या करते हैं, सपोज करो हमने लिस्ट ऑफ होटल बना लिया, राइट, तो होटल ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास मल्टीपल फील्ड्स है, जैसे देखा जाए तो डेटा टाइप कैसे कैसे टेक्स्ट है, उसमें इंटीजर है, उसके बाद करेंसी है, उसके बाद बुलियन है, उसके बाद टेक्स्ट एरिया फील्ड है, चेक बॉक्स है, देन रोल अप समरी है, ओके, मास्टर डिटेल, लुकअप, इतनी सारी फील्ड्स, पिक लिस्ट वगैरह, वो सारी की सारी क्या है, वहाँ पे फील्ड्स है। तो इस एक कंटेनर के अंदर, मतलब होटल ऑब्जेक्ट के अंदर इतनी मल्टीपल फील्ड्स है, राइट, किसमें है, होटल ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल फील्ड्स होटल ऑब्जेक्ट के अंदर है, तो वो सारी की सारी जो फील्ड्स है उसको कंटेन करने का काम किसने किया है, होटल ऑब्जेक्ट ने। मतलब क्या, यहाँ पे होटल ऑब्जेक्ट भी क्या हो गया, एक रैपर हो गया। ठीक है, होटल ऑब्जेक्ट भी क्या हो गया, रैपर हो गया। तो अगर मुझे होटल ऑब्जेक्ट का डेटा किसी टेबल के अंदर शो करना है, ठीक है, किसी टेबल के अंदर शो करना है मुझे होटल ऑब्जेक्ट का डेटा, तो मैं कैसे करूंगा, जो भी लिस्ट मैं क्वेरी करूंगा यहाँ से होटल ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे हॉट लिस्ट ऑफ होटल, एच लिस्ट इक्वल्स टू न्यू लिस्ट ऑफ होटल, और एच लिस्ट में हम क्वेरी क्या करेंगे, सिलेक्ट आईडी कॉमा होटल नेम कॉमा होटल एड्रेस कॉमा होटल ओनर नेम, फिर सैलरी, ये सारी चीजें जितने भी फील्ड्स है डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप से सबको क्वेरी करेंगे, और हम इटरेटर के थ्रू, इटरेटर मतलब क्या, जिसके थ्रू हम आपके पेज पे, एलडब्ल्यूसी के पेज पे डेटा शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स आ जाएंगे, लेकिन इन सब का कंटेनर क्या होगा, होटल, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट। तो एक ऑब्जेक्ट का डेटा, एक ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल फील्ड्स हैं, तो वो तो हम क्वेरी करके लेके आएंगे, राइट, जबकि देखा जाए तो ये होटल ऑब्जेक्ट भी क्या है, आपका एक रैपर, रैपर ही है। ठीक है, बट इसमें एक ऑब्जेक्ट का डेटा है। बट सपोज करो कि एक टेबल के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट का डेटा लाना है, तो कैसे लाएंगे, अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट का डेटा आपको एक टेबल के अंदर लाना है तो आप बोलोगे कि क्वेरी करके लेके आएंगे, करेक्ट है। तो सपोज करो आपने होटल पे क्वेरी की तो होटल का डेटा आ गया, फिर रूम ऑब्जेक्ट पे क्वेरी की तो रूम ऑब्जेक्ट का डेटा आ गया, फिर स्टाफ पे क्वेरी की तो स्टाफ का डेटा आ गया। अब तीनों तीनों के तीनों क्या है, ये एक रैपर हो गया, ये एक रैपर हो गया, ये एक रैपर हो गया, बराबर। तो इस वाले में इसकी ऑल फील्ड्स रहेगी, इस वाले में इसकी ऑल फील्ड्स रहेगी, और इस वाले में इसकी ऑल फील्ड्स रहेगी, समझ रहे हो। अब फर्क कहाँ पे आएगा कि मेरे को अगर एक ही ऑब्जेक्ट का डेटा टेबल के अंदर शो करना है, जैसे मेरा ये बड़ा सा एक टेबल हो जाता है यहाँ, ठीक है, ठीक है, तो सपोज करो मुझको यहाँ पे दिखाना है होटल का नाम, यहाँ पे रूम टाइप, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टाफ, ठीक है, यहाँ पे अगर मुझे दिखाना है, सपोज करो होटल हो गया, रूम हो गया, स्टाफ हो गया, सैलरीज पोर्टल ना,
टोटल सैलरी ठीक है, और यहाँ पे सपोज करो इंक्वायरीज, ऐसा मुझे कुछ दिखाना है। तो यहाँ पे देखो क्या एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर से डेटा आ रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे आएगा डेटा इन चारों पांचों ऑब्जेक्ट के अंदर से, राइट? चारों पांचों ऑब्जेक्ट के अंदर से आएगा, बट लिमिटेशन क्या है कि हम एट ए टाइम एक ही लिस्ट को टेबल के अंदर शो कर सकते हैं। अगर इस टेबल में मेरे को कोई लिस्ट, अगर यहाँ पे कोई डेटा लाना है तो ऑब्वियसली लिस्ट के अंदर लाना पड़ेगा, बराबर। लेकिन आप एट ए टाइम एक ही लिस्ट में एक ही लिस्ट का डेटा शो कर सकते हो, मतलब क्या, या तो सिर्फ होटल का डेटा शो होगा, या तो सिर्फ रूम का डेटा शो होगा, या तो सिर्फ स्टाफ का होगा, या तो सिर्फ सैलरी पोर्टल का होगा, या तो सिर्फ अकाउंट का होगा, या तो सिर्फ कॉन्टेक्ट का होगा, ठीक है? तो इन्हीं टाइप का डेटा स्टोर होगा, करेक्ट। बट अब मुझे क्या चाहिए, मेरे इस टेबल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट का डेटा स्टोर चाहिए। पर डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट का डेटा स्टोर चाहिए तो उतनी सारी लिस्ट को यहाँ पे इटरेट करना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल, ठीक है? क्यों? क्योंकि वन टाइम पे एट ए टाइम इट सपोर्ट्स वन लिस्ट ऑफ डेटा ओनली। अब एक ही लिस्ट का डेटा चाहिए इसको, और हमारे पास पांच ऑब्जेक्ट है, मतलब तो समझ करो कि पांच लिस्ट है, या फिर आप तीन कंसिडर करो तो तीन भी चलेगा, ठीक है? एक से ज्यादा होना चाहिए। तो तीन लिस्ट का डेटा है, अब तीन लिस्ट का डेटा है, ठीक है? और यहाँ पे ये बोल रहा है कि एट ए टाइम एक ही लिस्ट दिखाऊंगा, ठीक है? तो फिर तीन लिस्ट का डेटा दिखाएंगे कैसे? तीन लिस्ट में अलग अलग फील्ड है, जैसे होटल में होटल नेम है, रूम में रूम टाइप वाली फील्ड है, स्टाफ में नंबर ऑफ स्टाफ है, टोटल सैलरी दूसरे ऑब्जेक्ट में है, इंक्वायरी दूसरे ऑब्जेक्ट में है। तो हम तो शो तो कर रहे हैं पांच ऑब्जेक्ट का डेटा, लेकिन ये टेबल बोल रहा है कि मैं एट ए टाइम एक ही लिस्ट का डेटा शो करूंगा। तो ऐसे केस में हम लोग फंस गए, ठीक है? तो अब क्या करेंगे? अब आपके पास एक ऑप्शन है, या तो होटल के लिए अलग से टेबल बनाओ, ठीक है, जो होटल का डेटा शो करे। अब रूम के लिए अलग से टेबल बनाओ, जो रूम का डेटा शो करे, ठीक है, या स्टाफ के लिए अलग से टेबल बनाओ, जो स्टाफ का डेटा शो करे, ठीक है? बट ये हमारी रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं जो होटल लिखूंगा, क्या उसके सामने ठीक उसी रूम का डेटा आएगा क्या? उसी के स्टाफ का डेटा आएगा क्या? नहीं। बट इस टेबल में क्या होगा, जैसे मेरा एक होटल है एबीसी, तो उसका ही रूम मेरे को दिखाना है, उसके अंदर का ही रूम, उसके अंदर का ही स्टाफ मेरे को दिखाना है, ठीक है? उसके अंदर के स्टाफ की सैलरी मेरे को दिखानी है, उसकी इंक्वायरी ही मेरे को दिखानी है, एक लाइन में, ठीक है? बट यहाँ पे इस केस में क्या होगा, अलग अलग सिनेरियो हो रहा है, ठीक है? अलग अलग सिनेरियो हो रहे हैं जो कि हमको नहीं चाहिए। अब क्या करेंगे इस केस में? तो इस केस में हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है कि हम इन तीन लिस्ट को एक बड़ी लिस्ट में डाल देंगे, ठीक है? ये जो तीन लिस्ट है इसको डाल देंगे एक बड़ी लिस्ट में, और वो बड़ी लिस्ट पास कर देंगे यहाँ पे, जिससे क्या होगा तीन लिस्ट का डेटा एक लिस्ट में पास करेंगे, राइट? मतलब कन्वर्ट करेंगे थ्री लिस्ट बोलो, या 10 लिस्ट बोलो, या 2 लिस्ट बोलो, ठीक है, मोर देन वन चाहिए, कन्वर्ट थ्री लिस्ट इंटू वन, ठीक है? और सिर्फ ये एक ही लिस्ट यहाँ पे भेजेंगे, ठीक है? अगर इसको हम और अच्छे से समझना चाहे तो इसका मैं आपको एक हमारे डेली लाइफ का एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है? अगर आप लोग मार्केट में गए, ठीक है, और मैंने आपको बोला कि टमाटर लेके आओ, ठीक है, टमाटर लेके आओ, ठीक है, पोटैटोज लेके आओ, ठीक है, और जैसे बोला कि मैंने कुछ मिर्ची लेके आओ, ठीक है, ऐसे कुछ भी, दो तो चार 10 आइटम मैंने आपको लेने के लिए भेजा, तो आप हाथ में पकड़ के लेके आओगे क्या? नहीं, कि एक हाथ में टमाटर, एक हाथ में पोटैटो, एक हाथ में मिर्ची, लाइकवाइज ऐसा पकड़ के लेके आओगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि कन्वीनियंट है क्या? आपके पास दो ही हाथ है, राइट? अब दोनों हाथों में कितना डेटा जाएगा, कितना सामान जाएगा, एक हाथ में टमाटर तो एक हाथ में आलू, राइट? बट मिर्ची कहाँ पे रखोगे, करक बैंगन कहाँ पे रखोगे? तो अब इसके लिए आपके पास उपाय क्या रहेगा, आप क्या करोगे, एक कंटेनर बनाओगे,
वो कंटेनर, कंटेनर मतलब क्या है, जैसे मैं बोला था लास्ट टाइम कि कंटेनर मतलब लिस्ट हमारा, राइट। तो आप अभी भी लिस्ट ही बना रहे हो, लेकिन ये लिस्ट कैसा है, वो लिस्ट मतलब सिर्फ होटल का लिस्ट, सिर्फ रूम का लिस्ट, सिर्फ स्टाफ का लिस्ट, सिर्फ अकाउंट का लिस्ट, सिर्फ कॉन्टेक्ट का लिस्ट। लेकिन अभी जो हम लोग लिस्ट बना रहे हैं वो क्या है, मल्टीपल डेटा टाइप्स को होल्ड करने वाला लिस्ट है। जैसे इस वाले में टमाटर भी चला जाएगा, ठीक है, पोटैटो भी चला जाएगा, मिर्ची भी चला जाएगा, कुकुम्बर भी चला जाएगा, ठीक है, बैंगन भी चला जाएगा, कुछ भी चला जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक लिस्ट बना ली और इन तीनों को मतलब एक थैला बनाया, ठीक है, और एक थैले के अंदर, ठीक है, एक थैले के अंदर हमने क्या किया, इसको सारा सारा का सारा जो सामान है वो इस थैले के अंदर पैक करके रख दिया, राइट। तो अब आपके लिए कन्वीनियंट क्या हो गया, एक थैले को पकड़ना, तीन चीजों को पकड़ना कन्वीनियंट था क्या, तीन की जगह पे यहाँ पे 30 चीजें भी हो सकती, तो आप पकड़ना कन्वीनियंट था क्या आपके लिए, नहीं। बट अभी आपने क्या किया, वो सारा का सारा सामान जो है वो एक थैले में रख दिया, राइट। जिससे क्या हुआ, जिससे क्या हुआ कि वो जो थैला है अभी आप एक हाथ में आराम से पकड़ के चल सकते, करेक्ट। अगर और कोई जनरल लाइफ ऑफ एग्जाम्पल देखे तो खाने का टिफिन पकड़ गया, राइट। अब अगर आप ऑफिस जा रहे हो, ठीक है, तो आप एक टिफिन में सब्जी रखोगे, राइट, एक टिफिन में रोटी रखोगे, ठीक है, एक में चावल रखोगे, ठीक है, एक में कोई चटनी रख लोगे। अब ये चार डब्बे पकड़ के जाओगे कि ऑफिस में, सब में अलग अलग टाइप ऑफ फूड है, ठीक है, सब में अलग अलग टाइप ऑफ फूड है, तो क्या चार डब्बे पकड़ के जाओगे क्या, और कुछ स्वीट है तो? पांच डब्बे हो गए। अब पकड़ के कैसे लेके जाओगे, पांच डब्बे हाथ में पकड़ के लेके जाओगे क्या, नहीं। तो फिर इसके लिए कन्वीनियंट इलाज क्या हो गया, इसके लिए कन्वीनियंट इलाज है कि वो जो देखो बड़ा वाला टिफिन मिलता है, पता है जो मेस का टिफिन होता है, राइट, उसी टाइप का टिफिन। हम लोग क्या करेंगे, एक पार्ट में चावल रख देंगे, एक पार्ट में सब्जी रख देंगे, एक पार्ट में चटनी रख देंगे, एक पार्ट में रोटी रख देंगे, एक पार्ट में स्वीट रख देंगे, करेक्ट। और ये एक पूरा का पूरा टिफिन हम पकड़ के कहीं पे भी लेके जा सकते, राइट। मतलब एक कंटेनर ने क्या किया, डिफरेंट डेटा टाइप्स का डेटा होल्ड किया, डिफरेंट टाइप का खाना फूड उसने होल्ड करके रखा है, ठीक है। तो यही काम आपका रैपर क्लास करता है, ठीक है। तो होप आप लोगों को इसका अच्छे से आइडिया हो आ गया होगा कि रैपर क्लास करता क्या है, ठीक है। क्या करता है रैपर क्लास, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप का डेटा एक ही क्लास में बाउंड करने का, बाइंड करने का काम करता है आपका रैपर क्लास, ठीक है। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसी को एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, ठीक है। मैंने ऑलरेडी एग्जाम्पल बना के रखा है, ठीक है, क्योंकि हमारा टाइम उतना सेव होगा। ओके, अब देखो रैपर क्लास मतलब क्या होता है, हमारा सिंपल एक क्लास बनाना है आपको रैपर क्लास के लिए, बाकी आप जिस तरीके से डेटा आप जीएस पे फेच करते हैं उसी तरीके से डेटा को फेच करना है। अब देखो रैपर क्लास बनाने के लिए जिस तरीके से आपका नॉर्मल क्लास बनता है उसी के जैसे आपका एक रैपर क्लास बनता है, ठीक है। अब रैपर क्लास बना, अब ये ऑरा इनेबल्ड को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है, जहां जगह जहां जहां पे आपको ऑरा इनेबल्ड लिख रहा है उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है, क्योंकि हम सबको पता है ऑरा इनेबल्ड का काम क्या है। जब भी आप LWC के अंदर किसी क्लास को फेच कर रहे हो तो आपको उसको @ ऑरा इनेबल करना पड़ता है, ठीक है, इतना अगर आपको पता है तो फिर अभी इसको भूल जाओ, ठीक है ना। अब देखो मेरे को क्या करना है, जैसे अगर मेरे को होटल का ही डेटा सिंपल रिटर्न करना होता तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, पब्लिक स्टैटिक लिस्ट ऑफ होटल, ठीक है, और यहाँ पे मेथड का नाम, ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे क्वेरी कर लेता मैं, लिस्ट ऑफ होटल इक्वल्स टू H-List, न्यू H-List, ओके, न्यू होटल, एंड देन यहाँ से रिटर्न करता रिटर्न H-List, तो क्या होता, सिर्फ होटल का डेटा रिटर्न होता, राइट, सिर्फ होटल का डेटा रिटर्न होता। अगर रूम का डेटा रिटर्न करना होता तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, पब्लिक स्टैटिक लिस्ट ऑफ रूम, ठीक है, यहाँ पे मेथड नेम, फिर यहाँ पे क्वेरी करता और क्वेरी करने का रिटर्न R-List करता, सेम फॉर अकाउंट, सेम फॉर कॉन्टैक्ट, सेम फॉर अदर, ठीक है। बट अभी मुझे पता, मेरे को सिर्फ होटल, रूम, अकाउंट, कॉन्टैक्ट इसका डेटा रिटर्न करना है क्या, नहीं, मुझे डेटा किसका रिटर्न करना है, अकाउंट का भी करना है, कॉन्टेक्ट का भी करना है, ठीक, मतलब एट ए टाइम दो ऑब्जेक्ट का डेटा मेरे को रिटर्न करना है, ठीक है, अकाउंट और उसके एसोसिएटेड चाहिए,
या फिर होटल, उसके एसोसिएटेड रूम, उसके एसोसिएटेड स्टाफ, उसके एसोसिएटेड इंक्वायरी, इन सब का, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको फिर क्वेरी के अंदर चेंज करना पड़ता है, ठीक है, वो आपके टास्क में कवर होगा, ठीक है, आपको जब टास्क दूंगा मैं तब वो। तो अभी ये मेथड क्या है, ये है आपकी मेन मेथड, राइट। ये मेन मेथड का काम क्या है, यही मेथड रिटर्न होगी। अब ये मेथड क्या करेगी, रैपर टाइप का डेटा रिटर्न करेगी। कौन सा डेटा रिटर्न करेगी, रैपर, रैपर मतलब ये वाला, ये डब्बा रिटर्न करेगी, ठीक है। वो एक 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 टिफिन रिटर्न कर रहा है क्या, नहीं, ये पूरा का पूरा डब्बा रिटर्न कर रहा है, राइट। तो ये अगर पूरा का पूरा टिफिन रिटर्न कर रहा है तो कैसे रिटर्न करेगा, तो इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, रैपर टाइप का, ठीक है। अब ये रिटर्न टाइप आपने लाया कहाँ से, बराबर, क्या ये स्पेसिफिक होता है या कोई स्टैंडर्ड होता है या इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये समझेंगे। तो अभी देखो, सबसे पहले तो आपको जैसे आप जनरल क्वेरी करते हो बस सेम आपको वैसे ही क्वेरी करना है, ठीक है, कि मुझे अकाउंट का डेटा चाहिए और उससे एसोसिएटेड उसके कॉन्टेक्ट का डेटा चाहिए। तो मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे क्वेरी कर लिया, कौन सा, अकाउंट, अकाउंट ट्रेटर कोलन। अब देखो यहाँ पे जो क्वेरी किया है वो फॉर लूप के अंदर किया है, ठीक है। अब इसी क्वेरी को मैं आपको अदर वे से समझा के देता हूँ कि ये क्वेरी हम अगर करते थोड़ा लॉन्ग से तो कैसे होता, ठीक है। अब अगर इसी क्वेरी को हमको करना पड़े तो हम कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लिस्ट बना लेते, लिस्ट ऑफ अकाउंट, क्यों, क्योंकि अकाउंट ऑब्जेक्ट पे क्वेरी लगाना है इसलिए लिस्ट ऑफ अकाउंट यहाँ पे लिखते थे, एसीसी लिस्ट, या फिर यही वाला नाम ले, ठीक है, एसी इटरेटर वाला ये नाम ले लेते। अच्छा, इसको एसीसी लिस्ट समझो अभी के लिए, ठीक है, न्यू लिस्ट ऑफ अकाउंट, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, एसीसी लिस्ट के अंदर पहले तो अकाउंट और उसके एसोसिएटेड कॉन्टैक्ट अगर लेके आना है तो पेरेंट टू चाइल्ड क्वेरी करना पड़ेगा, राइट। तो पेरेंट टू चाइल्ड क्वेरी ये वाली सही है, सिलेक्ट आईडी कॉमा नेम कॉमा उसके अंदर फिर इनर क्वेरी, सिलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स एंड देन इनर क्वेरी क्लोज के बाद फ्रॉम अकाउंट। तो ये क्वेरी तक किसी को डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये हमने बहुत बार कर चुके हैं क्वेरी, ठीक है। तो ये होगी एक क्वेरी, ओके। अब ये क्वेरी क्या कर रही है, डेटा रिटर्न कर रही है अकाउंट टाइप का, अकाउंट और उसके चाइल्ड कॉन्टैक्ट का। अब हमको क्या करना है, एक लूप लगाना है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर का डेटा हमको इटरेट भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब इटरेट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे अकाउंट ए, ए की जगह पे लिखेंगे अभी ये एसी इटरेटर जो यहाँ पे यूज किया ना, ये वाला वर्ड यूज करेंगे, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो वैसे तो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, डायरेक्ट फॉर लूप के अंदर क्वेरी किया। अब ऐसा भी कर सकते हो या फिर हम ये वाला जो वर्ड है यहाँ से एसीसी लिस्ट जो वेरिएबल हमने यहाँ पे लिया है इसका यूज करेंगे, ठीक है ना। मतलब मैं आपको ये जो शॉर्टकट तरीके से लिखा गया है ना, इसको मैं बस आपको लॉन्ग कट करके दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि एक्चुअल में हो क्या। अब क्या कर रहा है वो, एसीसी लिस्ट वन बाय वन लिस्ट को क्या करेगा, इटरेट करेगा, बट लिस्ट को इटरेट करेगा लेकिन उसको हमको एक दूसरी लिस्ट में ऐड करना पड़ेगा। अब मेरे को बताओ, इसमें इस एसएसएल लिस्ट में अकाउंट का भी डेटा है और कॉन्टैक्ट का भी डेटा है, करेक्ट। अब हमको अकाउंट और कॉन्टैक्ट दोनों का डेटा एक तीसरी लिस्ट में भेजना है, बराबर। ये देखो, मतलब हमको सब्जी भेजनी है, चटनी भेजनी है, चावल भेजना है, सब कुछ किसमें भेजना है, एक इस कंटेनर के अंदर डालना है, राइट। तो हमको एक कंटेनर बनाना पड़ेगा, करेक्ट, जो इन सारी चीजों को लेके जाएगा। तो ये कंटेनर मतलब ये वाला बन गया, ठीक है, लिस्ट ऑफ रैपर डेमो। अब यहाँ पे रैपर डेमो क्यों लिखा है ना, ये मैं बताऊंगा आपको, बट अभी के लिए सिर्फ कंसीडर करो कि हमने ये लिस्ट बनाई जिसके अंदर हमको वो डेटा भेजना है, ठीक है। तो लिस्ट रैपर नाम का एक डेटा हमने बना लिया। अब हम सिंपल क्या कर ले, लिस्ट रैपर डॉट एड, लिस्ट रैपर डॉट एड। अब इसके अंदर एड क्या करेंगे, जो भी डेटा यहाँ से आएगा वो, अब यहाँ से इसके अंदर से क्या क्या डेटा आ रहा है, अकाउंट का भी आ रहा है और अकाउंट के अंदर का कॉन्टेक्ट भी आ रहा है, राइट। तो हम कैसे पास करेंगे, कैसे पास करेंगे, तो इसीलिए हमने क्या बनाया, एक रैपर क्लास बनाया इसी क्लास के अंदर। देखो ये मेन क्लास जो है यहाँ पे क्लोज हो रहा है, राइट। अब इसी के अंदर हमने रैपर क्लास बनाया। अब ये रैपर क्लास का काम क्या है, जो भी मैं इस लिस्ट से डेटा भेजूंगा वो डेटा इधर फेच करेगा, ठीक है, और वही डेटा रिटर्न करेगा।
ठीक है, तो लिस्ट ऑफ रैपर, तो जो आप यहाँ पे क्लास का नाम दो, रैपर दो, रैपर डेमो दो, रैपर डेमो डिटेल्स दो, रैपर डिटेल्स दो, ठीक है, रैपर इंफॉर्मेशन दो, कुछ भी दो, बस वो सेम नाम, क्योंकि आप अल्टीमेटली ये जो दो टाइप का डेटा यहाँ से भेज रहे हो, अकाउंट एंड कॉन्टेंट, वो हम इस एक कंटेनर के अंदर भेज रहे हैं, ठीक है। ये रैपर डेमो मतलब क्या है, वो बड़ा वाला टिफिन का डब्बा जिसके अंदर छोटे छोटे टिफिन रहेंगे, ठीक है। तो ये वो बड़ा वाला टिफिन का डब्बा है जिसके अंदर छोटे छोटे टिफिन रहेंगे। तो छोटे टिफिन में देखो क्या है, एक ऑब्जेक्ट, एक लिस्ट अकाउंट, मतलब क्या, एक सब्जी, एक चावल, एक चटनी, इस तरीके से, ठीक है, मल्टीपल चीजें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और फिर इस रैपर डेमो की लिस्ट टाइप बनाई हमने यहाँ पे, और रिटर्न कर रहे हैं उस लिस्ट के रैपर, समझ रहे हो। तो आपको इस लिस्ट में क्या ऐड करना है, ये एसी इटरेटर ऐड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अभी एसी इटरेटर ऐड करोगे तो लिस्ट रैपर डॉट ऐड, तो जैसे लिस्ट रैपर करोगे, ठीक है, तो ये लिस्ट रैपर टाइप का है, रैपर डेमो टाइप का है, तो रैपर डेमो वाला क्लास इनिशियल डेमो वाला हुआ होगा, रैपर डेमो वाला क्लास अगर इनिशियलाइज हुआ तो क्या होगा कि तो वो पूरा का पूरा जो डेटा है, ठीक है, वो इस रैपर डेमो में ऐड हो जाएगा। अब जैसे ही ऐड होगा, ठीक है, ये लिस्ट ऑफ रैपर रिटर्न करेगा, और हम JS पे इस लिस्ट ऑफ रैपर को रिटर्न करेंगे, और फिर JS HTML के पेज पे आपके लिस्ट ऑफ रैपर को रिट्रीव करेगा, ठीक है। वहां पे फिर वन बाय वन उसके अंदर, इस लिस्ट ऑफ रैपर के अंदर, लिस्ट ऑफ रैपर मतलब रैपर डेमो, और रैपर डेमो मतलब ये रैपर डेमो, तो इसके अंदर देखो अकाउंट भी आ गया और कॉन्टेक्ट भी आ गया, राइट। तो बस हमने क्या किया, यहाँ के ऑब्जेक्ट अकाउंट को देखो, दिस डॉट ऑब्जेक्ट अकाउंट इक्वल्स टू ACC, अब ये ACC कहाँ से आ रहा है, देखो अकाउंट ACC मतलब देखो यहाँ पे न्यू रैपर डेमो में इन्होंने क्या भेजा, सबसे पहले AC इटरेटर, AC इटरेटर में पूरा अकाउंट का डेटा है, और AC इटरेटर डॉट कॉन्टेक्ट में इस इटरेटर के अंदर के ये जो कॉन्टेक्ट है इसका डेटा, ठीक है, मतलब अकाउंट के अंदर के कॉन्टेक्ट का डेटा है। तो एक अकाउंट के मल्टीपल कॉन्टेक्ट हो सकते हैं, इसीलिए उसने देखो यहाँ पे ACC लिया, सिंपल एक अकाउंट और उसके मल्टीपल कॉन्टेक्ट है, इसलिए लिस्ट ऑफ अकाउंट, लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट लिया, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज ऐड हो जाएंगी इस अकाउंट और लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट, बस यही डेटा हमको भेजना है JS में, और JS से शो करना है आपके, JS से शो करना है आपके HTML के पेज के ऊपर, ठीक है। तो अब मैं ये मेरा जो लॉजिक है इसको मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है, और ठीक है, तो अभी ये बस समझने के लिए, ओके ना। अब देखो डेटा चला गया, अब डेटा जाने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, JS कॉल करते हैं। अब JS के अंदर मैंने क्या, सिंपल उस मेथड को कॉल किया, जिस तरीके से हम लोग करते हैं बस वही से तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। मेथड को कॉल किया, वायर किया, अब वायर से क्या आया, ACC के अंदर रिस्पॉन्स आ गया, फिर मैंने चेक किया एरर है कि डेटा है, अगर डेटा है तो डेटा नाम की वेरिएबल में सेट किया, राइट, दिस डॉट डेटा इक्वल्स टू डेटा, आप वेरिएबल का नाम चेंज भी कर सकते हो, एल्स इफ एरर, ठीक है। अभी विंडो डॉट कंसोल डॉट लॉग, ये इसको छोड़ दो आप, ये क्या है, हमने सिर्फ आपके कंसोल के ऊपर मतलब HTML पेज पे जब हम इंस्पेक्ट करते हैं तो वहां पे डीबग शो करने के लिए ये ऐसे किया, ठीक है। नाउ इस JS का डेटा भी हमको HTML पेज के ऊपर शो करना है, अब वो कैसे करेंगे, देखो एक हमने HTML पेज बनाया, ठीक है, लाइटनिंग कार्ड, उसके अंदर सबसे पहले चेक किया क्या सच में डेटा है, अगर डेटा है तो हम लोग क्या करेंगे, दो तो हेडर बनाएंगे, एक अकाउंट नेम और एक उससे रिलेटेड कॉन्टेक्ट, ठीक है। अब ये इतना पार्ट जो है ना वो सिर्फ हेडर वाला है, मतलब हेडिंग वाला, ओके। अब उसके ठीक उसके नीचे क्या आना चाहिए, उसके नीचे आना चाहिए उसका रिलेटेड डेटा। अब डेटा कैसे आएगा, तो देखो डेटा नाम के वेरिएबल में सारा सारा डेटा स्टोर है, तो बस हमने क्या किया, जैसे हम नॉर्मली करते हैं, की वैल्यू डॉट ऑब्जेक्ट नेम डॉट नेम, अब ये कैसे आया, देखो ये की वैल्यू क्या है, हम यहाँ पे एक टेम्पररी कीवर्ड देते हैं, तो वो टेम्पररी कीवर्ड हमने यहाँ पे दे दिया। अब वो टेम्पररी कीवर्ड देने के बाद अब डेटा की सारी वैल्यू आ गई की वैल्यू के अंदर, अब बट
अभी की वैल्यू मतलब क्या है, डेटा, राइट। की वैल्यू मतलब डेटा, और डेटा का मतलब है ये पूरा का पूरा रैपर, बराबर, क्योंकि यही पेज पे जा रहा है। तो डेटा का मतलब है पूरा का पूरा रैपर, देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है डेटा, बट रैपर के अंदर अकाउंट भी है और कॉन्टेक्ट भी है। अब उसको कैसे हम समझेगा कि अकाउंट की अकाउंट का नेम दिखाना है या कॉन्टेक्ट का नेम दिखाना है, इसलिए की वैल्यू डॉट मतलब वो रैपर डॉट ऑब्जेक्ट अकाउंट, कौन सा, ये वाला ऑब्जेक्ट अकाउंट, और उसके अंदर की वैल्यू हमको दिखानी है नेम, जो कि ये वाला नेम, ठीक है। तो इससे ये शो हो जाएगा, राइट। और उसके बाद सेकंड इसमें क्या दिखाना है, की वैल्यू, की वैल्यू मतलब सेम डेटा, ठीक है। अब की वैल्यू डॉट लिस्ट ऑफ कॉन्स, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिखा, आप सेम तरीके से भी लिख सकते, ठीक है। की वैल्यू मतलब रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स के अंदर क्या है, मतलब वही लिस्ट ऑफ रैपर, लिस्ट ऑफ रैपर के अंदर कहाँ पे गए, वो लिस्ट कॉन्स के अंदर गए। लिस्ट कॉन्स के अंदर जाने के बाद, ठीक है, उसका क्या शो करना है अपने को, नेम, तो नेम कहाँ पे है, ये वाला, ठीक है, तो ऐसे शो कर देंगे। अब इसको हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं जैसे यहाँ पे किया है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कॉन डॉट नेम लिया है ना, यहाँ पे मैं अगर की वैल्यू यहाँ पे ले लेता सिंपल सिंपल जैसे वहाँ पे, या फिर डेटा ले लेता तो भी वैसे ही हो जाता, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं डेटा लिखता पहले, यहाँ पे लिखता की वैल्यू वन, ठीक है, और फिर इधर चेक करता की वैल्यू वन डॉट लिस्ट कॉन्स डॉट नेम, ऐसे, तो वो उस तरीके से भी डेटा आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इसको डिप्लॉय करना है, और डिप्लॉय करने के बाद आप अपने पेज पे जाओगे, ठीक है। सबको पता है डिप्लॉय कैसे करना है, बस राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के डिप्लॉय दिस सोर्स टू ऑर्ग करो, ठीक है। जिसको नहीं पता होगा पुराने वीडियोस देख लो, ठीक है। फिर हम जाएंगे अपने ऑर्ग में, ऑर्ग में जाने के बाद, ठीक है, मैंने वो एडिट पेज से ऑलरेडी ये कंपोनेंट ऐड कर लिया था, पता है ना सबको कैसे ऐड करके। यहाँ से एडिट पेज में जाएंगे, अपना कंपोनेंट को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और ऐड करेंगे, ठीक है। आपका कंपोनेंट यहाँ से उठाएंगे, जो भी आपके कंपोनेंट का नाम है, जैसे रैपर डेमो वाला था वो मैंने उठा के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, इसको सेव कर लिया, ठीक है। देन बैक गए, बैक जाने के बाद इस तरीके से आपका टेबल शो होने लग जाएगा, ठीक है। कैसे, जैसे देखो अब जो अकाउंट है जिसके कोई रिलेटेड कॉन्टेक्ट है नहीं, वो भी अकाउंट दिखा रहा है, राइट। और देखो बाकी वो सारे अकाउंट दिखा रहे हैं जिसके रिलेटेड कॉन्टेक्ट है, जैसे सैंपल अकाउंट फॉर एंटाइटलमेंट्स, इसके दो रिलेटेड कॉन्टेक्ट है, इसके दो है, इसके दो है, इसके दो है। तो इस तरीके से अकाउंट और कॉन्टेक्ट का डेटा एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर शो कर रहे हैं, ठीक है। सेम तरीके से हम लोग होटल रूम, होटल स्टाफ का भी डेटा शो कर सकते हैं, बस आपको आपको क्या करना है, क्वेरी के अंदर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी असाइनमेंट में आपके पास क्या रहेगा, होटल का डेटा शो करो एक लाइन में, उसके अगेंस्ट उसकी रूम दिखनी चाहिए, उसके अगेंस्ट उसके होटल स्टाफ दिखने चाहिए, उसके अगेंस्ट उसके सैलरीज पोर्टल दिखने चाहिए, ठीक है। तो ऐसा एक आपको टेबल बनाना है जो डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप का डेटा होल्ड करता, ठीक है। तो ये होता है रैपर क्लास, ठीक है। तो आज के क्लास में हमने सीखा रैपर क्लास का यूज क्या होता है, किस तरीके से रैपर क्लास बनाते हैं, ठीक है, और उसका यूज कैसे करते हैं और किस किस केस में करते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर आज के लिए हम लोग इतने रखेंगे।